नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। नवनिर्वाचित प्रधान अनिल गुप्ता ने संजो डाले अपने ग्राम पंचायत के लिए सपने। शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली का एक ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुरा, जहां के प्रधान अनिल गुप्ता जो कि पूर्व प्रधान होने के बाद एक बार फिर प्रधानी के मैदान में उतर गए और जनता ने उनको प्रधान बना डाला। जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए पूरी फाइल बनाकर तैयार कर ली है, जिसमें चाहे वे आवास हो चाहे किसी प्रकार का विकास, जैसे हैंडपंप जैसी बहुत सी समस्याओं को लेकर फाइल बनाकर तैयार कर ली है। प्रधान अनिल गुप्ता का कहना है, पिछली पंचवर्षीय में जो प्रधान थे उन्होंने ग्राम पंचायत में नोच खसोट के सिवा कुछ नहीं किया। अनिल गुप्ता प्रधान होने के बाद अब वे हर तरीके का विकास करेंगे। विकास को लेकर जो उन्होंने सपने देखे हैं उनको फाइलों में नोट किया है। अनिल गुप्ता ने अपनी ग्राम पंचायत में जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए 11,000 रुपए अपनी तरफ से अनुदान किए, जिसको लेकर उनका कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी लाचार बेबस नहीं रहेगा और मैं सरकार से ज्यादा अपील करता रहूंगा ताकि हमारी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आ सके। अगर शिक्षा की बात करें तो प्रधान अनिल गुप्ता ने अपनी ग्राम पंचायत में इंग्लिश मीडियम यमुना प्रसाद नाम के एक कॉलेज भी बनवा डाला और साथ ही साथ राधा कृष्ण का मंदिर भी तैयार कर दिया ताकि ग्राम वासियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना उठानी पड़े। मीडिया 100 न्यूज शाहजहांपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। के लिए हम प्रधान बने हैं और राशि की बात अगर की जाए तो राशि खाते में आती रहती है और हम लोग एडवांस काम करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रधान जो हैं लाखों रुपया चुनाव में खर्च करते हैं। मैंने एक पुड़िया भी किसी को चुनाव में नहीं खिलाई, ना ही कोई खर्चा किया। मेरा यही उद्देश्य है कि पैसे को विकास में लगाया जाए और अच्छे कामों में लगाया जाए। सुना है कि आप लड़कियों की शादियों में अपने पास अपने निजी कोष से कुछ पैसा दान देते हैं। ये हमारी कुछ पर्सनल योजनाएं हैं, जैसे साइकिल योजना है, कन्या शादी अनुदान योजना है, सम्मान योजना है, ये हम अपनी तरफ से करते हैं। ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो हम कर रहे हैं इस चीज़ को। आपके द्वारा सूची तैयार की ग्राम पंचायत की, इस सूची के बारे में क्या कहेंगे, कितनी तैयार की गई है, क्यों है ये कार्य योजना? इसलिए पहले बना लेते हैं जिससे कि हम अपनी जनता से मीटिंग करके हर बात उनकी समझ लें और जिस समय ज़रूरत पड़े तो हमको किसी से कहीं से राय ना लेनी पड़े और कोई भूल ना हो पाए, इसलिए पहले ही कार्य योजना बनाना जनता के बीच में ठीक रहता है। इसका मकसद यही है कि आप अपनी जनता को अपना हाँ बिल्कुल, हम इसी ग्राम पंचायत से हैं और हमारी जन्मभूमि है, पूरा परिवार है, तो जाहिर सी बात है जनता हमारा पूरा परिवार, ये गाँव हमारा परिवार है। बहुत से प्रधान राजनीति और वोट के नज़रिए से देखते हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं अपनी जनता को? हम पक्ष को और विपक्ष को दोनों को अपने परिवार से ही देखते हैं और मेरा यही समझ रहा है कि हमारे परिवार से भी कुछ लोग जो हैं विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और ऐसा इतिहास रहा है कि हमेशा परिवार में पक्ष और विपक्ष रहा है। हम उसी नज़र से अपने इस गाँव को देखते हैं। अपनी ग्राम पंचायत की शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा की बात की जाए तो मेरे गाँव में दो प्राथमिक विद्यालय हैं और एक जूनियर विद्यालय है, लेकिन इसके अलावा मैंने गांव में जेपी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम बनवाया है जिसका मैं खुद प्रबंधक हूं और लगभग 120 गांव से हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और शिक्षा को लेकर सारे शहर से टीचर हमने अवेलेबल करा रखे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं शिक्षा के लिए। ये सर बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं, ये जनता के हर संभव मदद करते हैं। इस समय प्रधान पद बनते ही गांव की सफाई व्यवस्था इन्होंने चालू कर दी है, सारे गांव में सफाई हो रही है। उसके बाद किसी अगर जो लड़की की शादी होती है तो इसमें सफाई करवाते हैं, चूनने की व्यवस्था करवाते हैं, उसके बाद 11,000 नगद पुरुष उसे देते हैं दान में, और उसके बाद लाइट की सारे गाँव में लाइट की व्यवस्था की है। बड़े 50 बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ जी जी हाँ बच्चों की शिक्षा के लिए इन्हें जेपी पब्लिक स्कूल की व्यवस्था की है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का कोई केंद्र ही नहीं था, लोगों को बहुत दिक्कतें आती थीं, शहर भेजना पड़ता था, लोग यहाँ चले जाते थे। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जेपी पब्लिक स्कूल यहाँ पे खुलवाया है जहाँ से लगभग 120 गाँव के बच्चे आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं और इंग्लिश मीडियम का स्कूल चल रहा है।
रखते हैं और सबका ख्याल रखते हैं और उनके होते हुए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। प्रधान के कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ तभी उन्होंने विकास कर डाला, तब भी करते रहे बराबर। अभी तक उन्होंने क्या क्या विकास कर डाला बिना कार्यकाल के? बगैर कार्यकाल पूरे गांव की सफाई कराते रहे और लाइट लाइट की व्यवस्था पूरी करते रहे, वो बल्ब हर तीसरे खंभे पर बड़ा वाला बल्ब और शादी अनुदान